हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम समर स्पेशल कच्चे आम का जूस बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी और रिफ्रेशिंग जूस है और ये सभी को बहुत पसंद आता है। तो आइए कच्चे आम का जूस बनाना शुरू करते हैं। कच्चे आम का जूस बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कच्चा आम लेंगे और इसके छिलके को अलग निकाल लेंगे। तो ये मैंने इसके छिलके को अलग निकाल लिया है, तो अब हम इसे रफली इस तरह चॉप कर लेंगे। तो ये मैंने इसे रफली चॉप कर लिया है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो अब हम एक ब्लेंडिंग जार लेंगे और इसमें कटे हुए कच्चे आम डालेंगे और अब हम इसमें 7-8 पुदीने के पत्ते डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच काला नमक डालेंगे, 1/4 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे और ये 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1/4 कप चीनी डालेंगे। तो ये चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम लास्ट में इसमें 1 कप पानी डाल देंगे, जार का ढक्कन लगाएंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, तो अब हम इसमें 1 कप पानी और डालेंगे और इसे दोबारा से ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ मैंने इसे एक बार और अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो ये हमारा कच्चे आम का जूस बनकर रेडी हो चुका है। तो आइए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो अब हम ये 2 सर्विंग ग्लासेस लेंगे और इसमें आइस क्यूब्स डालेंगे, थोड़े से क्रश करे हुए पुदीने के पत्ते डालेंगे और अब हम इसमें जूस डालेंगे और लास्ट में इसमें पुदीने की पत्तियां लगाकर इसकी गार्निशिंग कर देंगे। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी और रिफ्रेशिंग कच्चे आम का जूस बनकर रेडी हो चुका है। आप इसे ऐसे ही ठंडा ठंडा सर्व करें, ये सभी को बहुत पसंद आएगा। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।